तो नमस्कार पहला, कैसे हैं आप लोग? मैं तो बहुत अच्छी हूँ, आशा है कि आप भी अच्छे होंगे। तो आज है जन्माष्टमी, तो आप सभी देशवासियों को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान कृष्ण आपके जीवन के सारे कष्ट हर ले। अभी शुरू हो चुकी है और मंदिर में सुबह से भीड़ हो चुकी है, तो मैं आपको लिए चलती हूँ मंदिर में। तो चलिए मेरे साथ मंदिर में, और मंदिर में भगवान कृष्ण के सबसे पहले भगवान कृष्ण राधा कृष्ण के दर्शन कीजिए, और उसके बाद हम आपको और चीजें भी दिखाएंगे मंदिर की, आज का दिन कैसा रहा पूरा। तो चलिए चलते हैं मंदिर। और ये देखिए मंदिर का नजारा, सुबह से ही कितनी भीड़ हो चुकी है। और ये देखिए राधा कृष्ण के दर्शन हुए हैं आप, कितने खूबसूरत लग रहे हैं राधा कृष्ण। और ये हमारे व्यवस्था सही हो रही है, लाइन लग रही है बढ़िया। ये देखिए लाइन बाहर तक मार्केट में भी लग चुकी है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। पंख लेकर अपने हाथों में इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का। और ये देखिए गाइस, थाने से भी आगे तक भीड़ लगी हुई है। ये देखिए मंदिर की बहुत ही ज़्यादा भीड़ हो गई है। अभी तो 12 भी नहीं बजे हैं, अभी शाम तक पता नहीं क्या आलम होने वाला है। अभी थाने से आगे तक भी जाएगी।
बहुत सारे पुलिस वाले ड्यूटी में लग चुके हैं, लाइन लगवा रहे हैं यहाँ पे से, दो अंदर भी लगे हुए हैं। तो गाइस पूरे अल्मोड़ा में हमारे श्री कृष्णा का एक ही मंदिर है, इतनी ज़्यादा भीड़ हो जाती है यहाँ।
देखो राधे रानी मेकअप करके आई है, कितना सुंदर लग रहा है ना। बोलो राधे रानी की। हाँ, एक ही ना बोला। बनाई तुम्हारी वीडियो, क्या बने हो आप? कृष्णा। राधा कहाँ है? राधा को भी लाते। बांट रहे चाय? बांट रहे हो? बांटो बांटो, बाहर तो बांट रहे हो क्या? लाओ एक चाय तो मेरे को भी पिला। नमस्कार आप सभी को, पूरे अल्मोड़ा वासियों को, पूरे देश वासियों को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं, और होली मनोहर वासियों की तरफ से भी बहुत बहुत आभार और धन्यवाद जो आप हमारे मंदिर में आ रहे हैं और हमारे मंदिर में सूखा बना रहे हमारे कृष्ण भगवान की, और यहाँ पर हमारे साक्षात कृष्ण भगवान विराजते हैं। और मैं 25 साल मेरी शादी हो गई तो तब से मैं इनकी सेवा में लगी हूँ। वस्त्र और श्रृंगार इत्यादि करते हैं क्या, इनको जो भी चीज़ चाहिए होती है तो खुद आ जाती है, लोग खुद चढ़ा जाते हैं। जब मेरा मन करता है मैं सोचती हूँ ये चीज़ चाहिए तो मुझे लानी नहीं पड़ती वो चीज़, वो खुद आ जाती है। तो ये सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है, भगवान कृष्ण की हम पर कृपा है, और ये असीम कृपा हमारे सारे अल्मोड़ा वासियों में बनी रहे, हमारे होली मनोहर वासियों में बनी रहे, और भगवान हमें इसी तरह से सेवा का अवसर प्रदान करते रहे। धन्यवाद। गाइस रात के 7 बज चुके हैं और मालाएं जल चुकी हैं मंदिर की, और श्रद्धालु अभी भी आ रहे हैं। देखिए कितने ज़्यादा लोग हैं अभी भी मंदिर में, तो पूरा दिन यही हलचल रही, खूब ज़्यादा लोग थे मंदिर में, पूरा मंदिर भरा था और बाजार तक लाइन लगी थी। तो इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और अभी 8:30 बजे से हमारे यहाँ फिर से प्रोग्राम है रात का जन्मोत्सव का, तो मैं जन्मोत्सव वाला ब्लॉग अलग से बनाऊंगी क्योंकि ये ब्लॉग लंबा हो जाएगा। तो गाइस मिलते हैं ब्लॉग में, बाय।